स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का चीज़ है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का एमसीक्यू है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पूरा नागरिक शास्त्र में जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है सारा एमसीक्यू यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, ठीक है। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, याद रखिएगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये मुख्य विशेषता है। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के अनुसार। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं? तो नागरिक को जो अधिकार मिला उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिए जाना है, इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या है? सीमा क्या निश्चित है? 14 साल है ना। तो 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार। संपत्ति के आधार अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में कब हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार भी उसको हटा दिया गया 1978 में, है ना। नहीं तो संपत्ति को सब जमा कर करके रख लेता तो उसको हटा दिया गया, है ना, अब ज़्यादा संपत्ति नहीं रख सकते। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष को प्रधानमंत्री कहते हैं, जो कि मोदी जी हैं। मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त है? तो मौलिक कर्तव्य 11 है संविधान में। शिक्षा की सूची का विषय है? तो शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, यानी इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो स्वतंत्र भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, इस पर क्वेश्चन आते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था, कब बना था? तो 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है भारत का राष्ट्रीय। समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? तो अप्रत्यक्ष आनुपातिक विधि से होता है ना, अप्रत्यक्ष आनुपातिक विधि से। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह मंत्री, पहला होम मिनिस्टर। लौह पुरुष के नाम से उसी को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें? तो अनुच्छेद 51 में है ये कि सभी नागरिक का कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का, है ना। अगला है किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19 में भाषण देने और अभिव्यक्ति, मतलब बात अपना रखने, बात करने, बात बोलने की अधिकार है। भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित है 18 वर्ष। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद, सबसे बड़ा संवैधानिक पद भारत में राष्ट्रपति है, लेकिन मेन काम प्रधानमंत्री करते हैं, नाम का खाली राष्ट्रपति है, नाम का है, नाम में सबसे बड़ा वही है। संसदीय शासन व्यवस्था, राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है कितना? 12 को होती है। राज्य तथा सभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या। अगला है संघ सूची में राष्ट्र महत्व की विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो संघ सूची का कानून केंद्र सरकार ही बना सकता है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। किस वर्ष चार्टर अधिनियम में पहली बार विधान परिषद के बीज दिखाई पड़े? तो 1833 में। अगला है भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? तो अध्यक्षात्मक है ना, वहाँ अध्यक्ष के तौर पर रहते हैं। लोकसभा के अनुसूचित जाति SC के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो 84 सीट SC के लिए है। लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्य 552 है ना, कुल संख्या 552 है।
लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है तो 543 निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, बाकी रिजर्व है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है, मतलब 5 आरक्षित है यानी रिजर्व है, ठीक है। झारखंड राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, तो राज्यसभा में 250। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए कितनी सीट है, तो ST के लिए 47 सीट आरक्षित है। अस्थाई सदन किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। राष्ट्रगान जनगणमन किसके द्वारा रचित है, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर है, डॉक्टर ने रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है, तो झारखंड विधानसभा का चुनाव 6 बाद होता है। भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है, तो संसद बनाती है। झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो 14 लोकसभा झारखंड। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो आम चुनाव 52 में हुआ था, 1952 में पहला। न्यायपालिका में क्वेश्चन आते हैं, न्यायपालिका से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाईकोर्ट सबसे बड़ा सबसे पुराना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है, कौन उसको बैठाता है वहाँ, तो महाभियोग की प्रक्रिया। कौन सा कार्य भारत के न्यायपालिका का नहीं है, विवादों का निपटान, न्यायिक समीक्षा, ये सब है, लेकिन चुनाव कराना इसका काम नहीं है, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, ठीक है। भारत की शीर्ष अदालत कौन है, सबसे बड़ा अदालत, तो उच्चतम न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय। अगला है, संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट। अगला है, 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, दिल्ली में किया गया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में है ना, नई दिल्ली में। झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो रांची में है। अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को ही अभिलेख न्यायालय का। प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट FIR है ना, प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट FIR जिसको बोलते हैं, कहाँ दर्ज की जाती थी, तो संबंधित थाना में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 124 में है। 12 नंबर है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश जो है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है, तो 65। वर्तमान में भारत की कितनी उच्च न्यायालय है, तो भारत में 24 उच्च न्यायालय अभी। किस वर्ष जनहित याचिका PIL की व्यवस्था लागू की गई, तो 1980 में। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, तो अनुच्छेद 214 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल शपथ दिलाता है उसको। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो झारखंड उच्च न्यायालय का 15 नवंबर 2000 में ही हुए थे ना। इनमें से कौन भारत का 21वां उच्च न्यायालय है, तो झारखंड का उच्च न्यायालय 21वां उच्च न्यायालय है भारत का, ठीक है। सामाजिक न्याय ये लास्ट चैप्टर होना चाहिए, और एक दो चैप्टर है, चलिए सामाजिक न्याय में आते हैं। क्या ये सामाजिक न्याय, अस्पृश्यता का क्या अर्थ है, तो छूने योग्य नहीं उसको अस्पृश्यता कहते हैं। सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है मुस्लिम समुदाय से। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 17 में। भारत के आदिवासियों की आबादी कितनी प्रतिशत है, भारत में 8% आदिवासी हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अधिनियम पारित हुआ कब, तो 1989 में। अधिकांश आदिवासी आबादी कौन सी भाषा बोलती है, तो संथाली भाषा बोलती है। झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता था, आरक्षण जो है सामान्य वर्ग को नहीं मिलता झारखंड में। आदिवासी कौन लोग हैं, तो मूल निवासी, आदिवासी मूल निवासी हैं। सामाजिक न्याय के लिए खाली स्थान आवश्यक है, तो निष्पक्षता बिना किसी के पक्ष का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी थी, भारत की आबादी 14.02% मुसलमानों की आबादी। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा आरक्षण देने का प्रावधान है, तो 15(4) एवं 16(4) में। झारखंड के अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, 32। सच्चर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 2005 में। सच्चर समिति रिपोर्ट के आधार पर 6 से 14 साल के कितने प्रतिशत बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, तो 25% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है, तो 26% झारखंड में आबादी आदिवासी है। आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका,
इस चैप्टर से क्या का क्वेश्चन बन सकता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से। झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किन के लिए किया, तो विधवाओं के लिए किया। ये वाला जो योजना वो विधवाओं के लिए। सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो विद्रोह नहीं कराया जाता। ठीक है, आजकल विद्रोह तो करा रहा है सरकार ये लोग। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कितनी है, तो इतना लाख गीलन गिन लीजिए कितना है, 734.35 लाख। झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता कितना है, तो 1616.35 लाख गैलन की आवश्यकता है। भारत में दूषित पानी के कारण प्रतिदिन लगभग कितने व्यक्तियों की मौत हो रही है, तो 1600 व्यक्ति प्रतिदिन है। प्रतिदिन भारत पूरा भारत में 1600 इंसान की मौत खाली दूषित पानी पीने से हो रही है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ, तो 2000 से 2001 है ना। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 में। फ्लोराइड युक्त पानी में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो कमज़ोर हड्डी हो जाता है, हड्डी कमज़ोर। जल परिवहन किस मंत्रालय का अधीन है, तो जहाज रानी किस मंत्रालय का अधीन है, तो जहाज रानी मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो बीमा क्षेत्र से। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई, 2014 में। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की परियोजना का विरोध में किस परियोजना के विरोध में था, तो सरदार सरोवर बांध जो पर बन रहा था उसके विरोध में था। फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या किन जिलों में अधिक है, तो पलामू और गढ़वा में सबसे ज़्यादा है। बालिकाओं की समृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। इंदिरा आवास योजना का परिवर्तन नाम क्या है, इंदिरा आवास योजना का वही अभी कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना है ना। भारत के बच्चों की किस उम्र तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, तो 16 से 14 वर्ष तक। कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी, तो वुहान में हुई थी, चीन का वुहान में है ना। सामाजिक समस्याएं से क्वेश्चन में आते हैं, मानव एक खाली स्थान प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है। भारत में लड़कों के विवाह का न्यूनतम आयु सीमा कितना निश्चित है, तो 21 वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, तो नशा निरोधक दिवस 26 जून को मनाया जाता है। बाल विवाह अधिनियम कब बना, तो 2006 में बना बाल विवाह अधिनियम। यूनिसेफ के अनुसार 2 से 17 साल तक के कितने बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं, तो 2.5 करोड़ बच्चे जो है बाल श्रम में, बाल मजदूरी में लुप्त है, बाल मजदूरी कर रहे हैं, लिप्त। बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1986 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है, तो अनुच्छेद 24 के अनुसार। झारखंड में किसकी रोकथाम के लिए AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया, तो मानव तस्करी का रोकथाम के लिए। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी करना दंडनीय है, तो 14 वर्ष से कम के बच्चों को बाल मजदूरी करना दंडनीय है। कानूनन लड़की के विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई, तो 18 वर्ष लड़की का आयु। बाल विवाह क्या है, तो सामाजिक अभिशाप है, ये सामाजिक अभिशाप है। कहाँ गया, बाल विवाह का अर्थ क्या है, तो कम उम्र में विवाह करना। बाल विवाह निवारण अधिकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को, बाल विवाह के निवारण के अधिकारी के रूप में, माने वो इस सबको देखे कि बाल विवाह कहीं हो रहा है तो उसका रोकथाम करें। ठीक है, तो ये रहा पूरा भूगोल का MCQ। उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।